जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी का एक कर्म भूमि है हाजीपुर, और हाजीपुर हमारे पिताजी का माँ का समान है। नानक जी के पिताजी तीन भाई, तो माँ का बंटवारा नहीं होता है। धन संपत्ति पर मंत्री जी भी कहते हैं कि उनका अधिकार है, लेकिन ये हाजीपुर माँ है अगर रामविलास पासवान जी का, तो उस पर अधिकार पशुपति कुमार पारस जी का है, दूसरा किसी का नहीं। उन्होंने कहा था कि सर आप अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैडम को चुनाव लड़ाइए, तो उन्होंने हमको कहा था कि नहीं हम पारस जी को चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ से भारी नहीं पड़ेगी, पहले वो अपना सर्टिफिकेट ना बनवावे। महिला का सर्टिफिकेट बनता है नैहर से, पता है ना आपको, महिला का सर्टिफिकेट बनता है उसके बाप माँ के नैहर से। जितना भी मैनेजमेंट होता था, जितना भी मैनेज होता था, पारस बाबू करते थे। और हाजीपुर की जनता का वो सेवा किए हैं, मैंने परोक्ष रूप से। दो हजार चौबीस में लोकसभा चुनाव होने हैं, और इस वक्त हर सीट पर क्या कुछ होने वाला है, प्रत्येक लोकसभा सीट पर इसकी जानकारी जनता जानना चाहती है। बिहार के सबसे प्रसिद्ध चेहरे के तौर पे एक तो नीतीश कुमार है, दूसरा तेजस्वी यादव, तीसरे नंबर पर अगर किसी का नाम आ रहा है चेहरों के तौर पे तो चिराग पासवान का जिक्र किया जाता है। पार्टी में टूट से लेकर, जमीन पर काम करने से लेकर, जो हाजीपुर जो उनका संसदीय क्षेत्र रामविलास पासवान जी का रहा है, या फिर जो जिस पर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों दावा कर रहे हैं, उस पर अभी सरगर्मी बनी हुई कि आखिर होगा क्या। दोनों एनडीए से हैं, आखिर मध्यस्थता कैसे बनेगी, कौन चुनाव लड़ेगा और हाजीपुर का सीट किसको जाएगा, ये एक सवाल बनकर अभी भी अटका हुआ है। और दोनों पक्ष अपने अपने दावे पर अड़े हैं। हालांकि चिराग पासवान कुछ जगहों पर बैकफुट पर आए हैं कि जमुई हुए नहीं छोड़ेंगे, हाजीपुर पर विचार करेंगे, तो एक तरह से इशारा तो था ही कि शायद वो पीछे हट सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हमें कोई कार्यकर्ता या उस पार्टी से कोई सबसे करीबी या सबसे महत्वपूर्ण इंसान ही बता सकते हैं, जिस पर हम आज बात करने आए हैं। तो नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिग्विजय चौरसिया जी, सांसद प्रतिनिधि लालगंज से पशुपति कुमार पारस के। दिग्विजय चौरसिया जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है चुनाव में, और हाजीपुर संसदीय क्षेत्र को लेकर, लोकसभा क्षेत्र को लेकर आगे 2024 के लिए पार्टी के अंदर की चीज़ें क्या हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हाजीपुर का जो सीट है, हाजीपुर लोकसभा का जो सीट है, यहाँ से हमारे अभी जो माननीय सांसद हमारे हैं पशुपति कुमार पारस जी, वो बिल्कुल ही चुनाव लड़ेंगे और पुनः वो आया का सांसद बनेंगे। ये तो आप ऐसे कार्यकर्ता बोल रहे हैं, कार्यकर्ता तो सबको यही कहेगा कि यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ। जीत रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि पशुपति पारस को जनता हाजीपुर में साथ सुना है कि नहीं पसंद करती है, चिराग पासवान ज़्यादा पसंद करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, जितना भी युवा चेहरा है जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो चिराग पासवान जी के साथ है, जिनको वोट गिराने का अधिकार भी नहीं है। और जितना बुजुर्ग लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, मदस्थ लोग हैं, वो सब पारस जी के साथ हैं, जिसका कारण है कि पारस जी के नज़दीक जो जाएगा, एक बार उनसे मिलेगा, एक बार उनसे बातचीत करेगा, वो पारस जी का ही होकर रह जाएगा। तो युवा चलाता है सुनने में आया, तो युवा देश चलाता है, लेकिन बिना गार्जियन बिना बुजुर्ग का थोड़ी देश चलने वाला है। अभी युवा को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा थोड़ी चलाएगा, अब मोदी जी ऐसा कुशल नेतृत्व में है प्रधानमंत्री, तभी तो देश चल रहा है। पार्टी गठबंधन में तो मोदी का तारीफ करना जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी गठबंधन की बात नहीं है। हम लोग बात करेंगे पशुपति कुमार पारस जी के बारे में कि उनमें क्या खूबी है कि उनको यहाँ का एमपी होना चाहिए। लोग बोलने के लिए कुछ बोले, आज तक जो भी एमपी बने हैं, एक माननीय हमारे रामविलास पासवान जी को छोड़कर, अब हाजीपुर का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले हम लोग का लालगंज था वैशाली में, कितने लोग हैं जो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दबे कुचले लोग हैं जो सांसद के नज़दीक जाता था और सांसद से बात करता था और सांसद उनको अपने दरवाजे पर बैठाता था। इस बात का हमको जवाब कोई देने वाला है दे। आज जब लालगंज जुटा है हाजीपुर में, तो हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग का सांसद पशुपति कुमार पारस जी बने हैं, और उनका एक हाजीपुर से लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक जो उनके दरवाजा पर चला जाता है, जो उनके यहाँ पहुंच जाता है, चाहे किसी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का हो, उसका जो काम होता है वो काम कराते हैं, कोई खाली हाथ उनके आसन ले उठता है। चलिए, एक सवाल तो आप एक्सपेक्टेड मान के बैठे हुए हैं कि हम आपसे ये पूछेंगे कि क्यों बने सांसद द्वारा पशु, हम सवाल थोड़ा पलटते हैं, चिराग पासवान क्यों नहीं बने सांसद हाजीपुर के? इसलिए सांसद नहीं बने कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पशुपति कुमार पारस जी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि स्वास्थ्य शिविर लगा था यहाँ पर एक गंडक प्रोजेक्ट में, तो मैं अपना फोटो भी दूंगा उस समय का कि मैं आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बगल में बैठा था। मैंने उनको कान में कहा था कि सर
आप अब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैडम को चुनाव लड़ाइए। तो उन्होंने हमको कहा था कि नहीं, हम पारस जी को चुनाव लड़ाएंगे यहाँ से। ये रमेश पासवान ने कहा जी हमको, हम आपको फोटो भी देंगे, इसका फोटो बगल में बैठ करके उनके कान में मैं जो कह रहा है उसका हम अभी आपको दे देंगे, आप ले लीजिएगा उसको। और उसके बाद उन्होंने इसलिए कहा, हमको ये भी पता चला और वो भी हमको बताए कि जितना दिन चुनाव रामविलास पासवान जी हमारे स्वर्गीय नेता हाजीपुर से लड़े, हर चुनाव में सिर्फ नाम उनका था और काम पशुपति कुमार पारस जी का था। जितना भी मैनेजमेंट होता था, जितना भी मैनेज होता था, पारस बाबू करते थे। और हाजीपुर की जनता का वो सेवा किए हैं, मैंने परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहिए या परोक्ष रूप से कहिए, नाम को आप ये कहना चाह रहे हैं कि रामविलास पासवान ने हाजीपुर के लिए जो बहुत कुछ किया है ये तो सब जानते ही हैं। उन्होंने हाजीपुर एक नई पहचान दिलाई है, लेकिन जब वो दिल्ली में या व्यस्त रहते थे तब जो जमीन पे काम संभालना होता था पशुपति कुमार पारस जी, बिल्कुल चुनाव से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के और जो भी काम होता था आपको हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में, वो हमारे माननीय सांसद पशुपति कुमार पारस जी द्वारा ही सब सेटिंग किया जाता था। नाम हमारे स्वर्गीय पासवान जी का होता था लेकिन अंदर से काम इनका होता था, सारथी के तौर पर। हाँ, सारथी के तौर पर, जैसे अर्जुन का सारथी कृष्ण भगवान थे, ठीक रामविलास पासवान जी का सारथी पशुपति कुमार पारस जी थे। और जितना भरोसा पारस जी पर पासवान जी करते थे उतना भरोसा किसी पर नहीं करते थे। तभी जाके हमको बोले थे स्वास्थ्य शिविर में कि हम यहाँ से पारस जी को चुनाव लड़ाएंगे। रामविलास पासवान जो दावा करते हैं कि पिता के बाद वो संभालेंगे, बात चली कि माँ को चुनाव लड़ाएंगे, इस पे पशुपति कुमार पारस से भी बोला गया, उन्होंने भी काफ़ी बयान दिए थे कि चिराग पासवान के बारे में। अभी आप तो जा रहे हैं, अक्सर मिलते रहते हैं, चुनाव अगर हो जाए, ठीक है, क्या लग रहा है चिराग पासवान जिस बात पे अभी तक अड़े हुए हैं पीछे हटेंगे? बिल्कुल उनको हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा? इसलिए हटना पड़ेगा, हम पहले बता दिए हैं कि युवा लोग उनके साथ हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो फिल्म का हीरो है, वो फिल्म का हीरो है तो हीरो को देखने के लोग जाता है, नेता को देखने के नहीं जाता है। उनमें नेता से बेसी गुण हीरो वाला है, उनका स्टेटमेंट है, चाहे आईटी सेल है मीडिया के माध्यम से हो, चाहे जिस माध्यम से हो, कहीं का भीड़ कहीं दिखा देते हैं, उनका वो सब सेटिंग है। लेकिन लोग उनको दिखा देता है कि एक फिल्म का हीरो, फ्लॉप फिल्म का हीरो, और टॉप फिल्म का हीरो नहीं, फ्लॉप फिल्म का हीरो। व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं? नहीं, व्यक्तिगत प्रहार नहीं कर रहे हैं। और रह गया हमारे पशुपति कुमार पारस जी के बारे में कि आज तक एक बार जो उनसे मिल गया, बीमारी हो, कोई काम हो, चाहे जो भी हो, दिल्ली में चला गया, एम्स में दिखलाना हो, कहीं से कोई चिट्ठी लिखवाना हो, अदली बदली का करवाना हो, किसी को नहीं कहते हैं कि आप किस जात का है, कौन है, ऐसा नहीं कहते थे। हम पहले भी आपको बोल दिए थे कि जब हाजीपुर में जुटा है वैशाली लालगंज, तो लालगंज के लोगों का किस्मत खुला है। यही अगर वैशाली में था, हमको वैशाली का सांसद रघुवंश बाबू का भी काफ़ी हम नज़दीकी रह चुके हैं, लेकिन मेरे जैसा लोग, अति पिछड़ा समाज का लोग जाता था रघुवंश बाबू के यहाँ सामने बैठ के बतिया लेता था। लेकिन कितना अति पिछड़ा समाज का लोग, दलित लोग, दबे कुचले लोग, अल्पसंख्यक लोग जो है सो जाता था वहाँ। आज वैशाली का सांसद है, हम ही लोग का पार्टी का है, कितना लोग जाता है, क्यों नहीं सांसद प्रतिनिधि बना दिया गया कोई किसी अति पिछड़ा को। आज पशुपति कुमार पारस है जो दबे कुचले लोग को उठाना चाह रहे हैं। आज मतलब जो जातियां हैं जिसको लोग नहीं जानते हैं, छोटी छोटी जातियां हैं, उसका नेता लोग, उसका कार्यकर्ता लोग, उसका जो जन छोटा छोटा जनप्रतिनिधि वहां जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है। वह चाहते हैं कि नीचे का लोग ऊपर आ गए। अच्छा, एक चीज़ ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल चीज़ है कि जब भी आप अपने विचारधारा से थोड़ा सा समझौता करते हैं ना, पार्टी का पतन होने लगता है। ये चीज़ें चिराग पासवान में देखने को मिल रही हैं कि उनके पार्टी में जो अब बड़े पदों पर आ रहे हैं उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा के खिलाफ लोजपा या रामविलास पासवान या लालू जी के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी है। आपको लगता है कि रामविलास पासवान की जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा आर, उसमें उन जातियों का भी बोलबाला हो रहा है जिसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है? बिल्कुल वही है, ये है। अगर हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेता रामविलास जी का लोकसभा में चला था, बहुत स्टेटमेंट है दलितों के लिए, दबे कुचले के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, आज चिराग जी में वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। चिराग जी के चारों तरफ कौन है सो आप देख सकते हैं, उनके पार्टी का मुख्य पदाधिकारी कौन है सब देख सकते हैं। और पारस जी के पार्टी में आप देख लीजिए, पशुपति कुमार पारस में मेरे जैसा अति पिछड़ा का लड़का जिसका विधानसभा में मतलब संख्या क्या है, नगण्य संख्या है, और हम पर भरोसा करके सांसद प्रतिनिधि लालगंज का बना दिए, और बना दिए तो मैं 100% खड़ा उतरूंगा और उतर करके उनके लिए जो करना होगा सर कर रहे हैं जमीन पे उनके लिए। अभी आप पशुपति कुमार पारस के लिए, हम तो उनके लिए अभी प्रतिदिन
10-20 आदमी को मैं पार्टी में जोड़ता हूँ, उनके बारे में चर्चा करता हूँ, गाड़ी में तेल भरवा करके झंडा टांग करके क्षेत्र में घूमता हूँ और बताता हूँ कि पशुपति कुमार पारस जैसा सांसद अगर हम लोग को मिला हुआ है तो फिर ये समझ लीजिए कि हम लोग भाग्यशाली हैं। और क्यों होना चाहिए पशुपति कुमार पारस को यहाँ से सांसद, इस बात का भी मैं चर्चा करता हूँ। पुराने बयान में एक जगह पर जिक्र आया था जिसमें आपने दिल्ली में शायद जब रामविलास पासवान थे तो एक आवास होता था जहाँ पे लोग रहते थे जाके, जिसको खाली कराया चिराग पासवान ने, वो घटना क्या है बताइए। देखिए दिल्ली में विस्तार से बताइए। हाँ, दिल्ली में पहले 12 जनपद में जहाँ हमारे स्वर्गीय नेता रहते थे उसके चारों तरफ एक बंगला टाइप का बना हुआ रहता था जिसमें क्षेत्र का लोग जाता था, कहीं भी कोई काम हो, बड़ हो, बीमारी हो तो वहाँ पर जाता था, वहाँ पर रुकता था। जब रात होता था तो माननीय मंत्री हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी निकलते थे उस समय, तत्कालीन तो अब तो है नहीं, तो एक एक आदमी से पूछते थे कि आप कहाँ, क्या है, किस काम के लिए आए हैं, काम हुआ कि नहीं, घूम के रामविलास पासवान जी घूम कर पूछते थे और कहते थे कि आप खाना खाए कि नहीं, कैसे सूत गए, किसी को 1,000 रुपया दे देना है, किसी को 2,000 दे देना है, किसी को 5,000 दे देना है, किस काम से आए हैं, भाड़ा नहीं है तो पैसा ले लीजिए, सबका दुख सुख पूछते थे। लेकिन जब उनका चलती खत्म हुआ और चिराग जी का चलती हुआ तो सबको तोड़वा दिया गया, टोटल उसका तोड़ करके खत्म, मतलब हाँ वो सब खत्म हो गया। हाँ, और हम लोग वहाँ जाते थे जब ये छोटे साहब थे चिराग पासवान, जब निकलते थे तो लोग कहता था कि जल्दी छुप जाइए, छोटे साहब निकल रहे हैं चिराग पासवान जी। और जब राहुल गांधी से बड़े युवराज हो गए, अरे वाह क्या युवराज तो थे ही, युवराज तो थे ही। और जब हमारे स्वर्गीय नेता परमादर दिए रामविलास पासवान जी जब निकलते थे तो लोग लाइन में लगता था अपना अपना कागज लेकर के कि सर हमको ही काम है, सर हमको ही काम है। और उनके यहाँ भी कोई ऐसा आदमी खाली हाथे नहीं लौटा, उनकी तो छवि ही अलग। हाँ, उनके यहाँ जैसे हम जैसे जानते थे, हम जैसे जाने लगे। और ठीक दूसरा रामविलास पासवान हमारे पशुपति कुमार पारस ये भी वही करते हैं, एकदम बिल्कुल उन्हीं के कदम पर चलते हैं, उन्हीं के कदम पर चलते हैं। और लोग हवा में कुछ बोल दे, सच्चाई जानेगा तब ना, और वोटिंग भी होगा तो देख लीजिएगा, हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से ही लड़ेंगे, उनको टिकट उनको तो अपने टिकट लेना है, वो तो एनडीए का सबसे प्रिय सबसे प्रिय और सबसे मतलब विश्वसनीय पार्टनर है एनडीए का, सीट एनडीए का है, लोजपा को मिलेगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को टिकट देना क्या है, वो तो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और पिछली बार से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे, रिकॉर्ड कायम होगा और हवा में सपना देखने वाला सपना देखते रह जाएगा। और फिर पारस पासवान की मां भारी नहीं पड़ेगी, पहले वो अपना सर्टिफिकेट ना बनवावे, महिला का सर्टिफिकेट बनता है नैहर से, पता है ना आपको, महिला का सर्टिफिकेट बनता है उसके बाप माँ के नैहर से। हमको नहीं लगता है कि उनको यहाँ से कोई क्या है सर्टिफिकेट, मतलब क्या प्रमाण पत्र नहीं है कुछ, वो दलित थोड़ी है। अच्छा, लव मैरिज है, प्रेमी भाई, तो चुनाव का क्या नियम है, नियम बता दीजिए। अरे यार सीट नियम की बात कर रहा हूँ, नियम क्या है, सीट आरक्षित है हाजीपुर तो यहाँ से कोई दलित ही चुनाव लड़ेगा, ठीक है, और दलित का सर्टिफिकेट आप दिखाइएगा ना कि हम दलित है, हम लड़ जाएंगे तो हो जाएगा, हम दलित थोड़ी है कि हम लड़ जाएंगे चुनाव, तो जो दलित होगा वही नहीं लड़ सकता है। तो माँ का पत्र सीधे कट गया, तो बिल्कुल कटेगा, तो चिराग पासवान अकेले बचे और जमुई संभालेंगे कि हाजीपुर संभालेंगे, वो जमुई संभाले अपना, जमुई संभालेंगे तो हम लोग भी उनको शुभकामना देंगे कि जाइए जमुई में आपका झंडा लड़ा जाए, लेकिन हाजीपुर में आप जाइएगा तो आपका नहीं लड़ाएगा, यहाँ पारस जी का लड़ाएगा। पशुपति कुमार पारस का आप काफी करीबी है, एक आध किसी और बताइए, आप कभी मिलने गए हो पशुपति कुमार पारस से, कितने बार मौका मिला है मिलने का, और कुछ ऐसा जो उनके उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ उनको क्या लगती होगी, एक आध बात। देखिए हम तो उनसे कम से कम 1,000 बार मिले हैं, उतनी ही आसानी से, आसानी से बोले कि उस उनके बेडरूम में जाता है उनका जो कार्यकर्ता है जिनसे उनकी जान पहचान है, वो अंदर रूम में बुला करके मिलते हैं, चाहे दिल्ली हो या पटना, और गला लगाते हैं। काफी बूढ़े हो गए वैसे, काफी बूढ़े कहाँ से हो गए, उम्र नहीं, उम्र क्या है, उम्र तो नेतागिरी करने वाला लोग किया है, नहीं नेतागिरी करते करते लोग मर गया, के भी पितामह होने वाले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, नहीं अपना रह गया बात है कि आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे कार्यकर्ता गले लगाते हैं छोटा छोटा लोग को, हम तो अपने छोटा लोग हैं, लेकिन हमसे जो निम्न स्तर का लोग जो है, नीचे स्तर का लोग है, दबा कुचल लोग है, वो पारस जी के यहाँ जाते हैं, पारस जी को प्रणाम करते हैं तो गला लगाते हैं, समझ गया ना। और रह गया विकास का काम, तो जितना आपको लालगंज में या हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में विकास का काम किए हैं कुछ लोगों के चलते, मतलब अभी तक बोर्ड नहीं लगा है, अगर बोर्ड लगना शुरू हो जाए
उनको पता नहीं है कहाँ कहाँ वो काम करवा लिया है, पता नहीं है, क्योंकि इतना वो सरल आदमी है, इतना विश्वासी आदमी है कि जो जाता है कहता है कि हाँ हमारा एगो ये काम लिख दीजिए तो लिख देते हैं। वो किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस धर्म का है कुछ नहीं पूछते हैं, लेकिन वो लेने वाला 420 लोग बोर्ड नहीं लगाता है। नहीं तो आज के डेट में जितना सांसद मन से काम हुआ है, चाहे जो भी काम आज केंद्र से जो भी आता है वो तो हमारे सांसद के कृपा से ही आता है ना, और इनके लिखला से आता है। आज हाजीपुर में जो ये फूड वाला जो ऑफिस खुला वो मामूली चीज यूनिवर्सिटी खुला है, जो फूड वाला जो यूनिवर्सिटी खुला है मामूली नहीं हुआ है। हाजीपुर के लिए जैसे हमारे स्वर्गीय पासवान जी चिंतित रहते थे, करते रहते थे, उसी प्रकार हमारे पारस बाबू भी हाजीपुर के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, और हाजीपुर के जनता के लिए चिंतित रहते हैं, और हाजीपुर के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। और कुछ घटना तो बताइए जो आपको मेमोरी में हो कि ऐसा कुछ हुआ था। हुआ तो बहुत कुछ होगा, लेकिन फिर भी कभी मिलने गए हों, पारस ने बुला लिया हो, गले लगा लिया हो। हाँ, हमेशा हम तो जब जाते हैं तो हम उनका चरण स्पर्श करते हैं, पर चूंकि जो गार्जियन है मंत्री भी है वो तो अलग की बात है, सांसद अलग की बात है। हम लोगों के समाज का, हम लोग के माने स्वभाव चाहे जो अपना संस्कार है, उस हिसाब से जब चरण स्पर्श करते हो गले लगाते हैं। एक छोटा सवाल मेरे फिर आ गया, चिराग पासवान अक्सर खर्च मंचों पर खुलकर कहते हैं कि मोदी का हनुमान है, पशुपति कुमार पारस मंत्री हैं, कथनी और करनी में क्या फर्क होता है ये समझाइए, क्योंकि ये कहते नहीं हैं। मोदी जी का भरोसा कल को होगा तो किस पे ज़्यादा होगा, क्यों होगा? मोदी जी का सबसे बेसी भरोसा पशुपति कुमार पारस जी पर है, इसलिए कि जब से NDA में शामिल हुए हैं कभी टस से मस नहीं हुए हैं, हमेशा NDA में रहे हैं और विश्वसनीय पार्टी, विश्वसनीय मतलब पार्टनर के रूप में। ये तो चिराग पासवान पे लागू होता है ना, वो भी तो शामिल नहीं। नहीं नहीं, चिराग जी तो NDA में थे ही नहीं, अभी NDA में गए हैं। अगर NDA में ही रहते तो लालगंज के चुनाव में विधानसभा में क्यों भाजपा के खिलाफ में अपना उम्मीदवार खड़ा करते, लालगंज के विधानसभा में भाजपा के खिलाफ में क्यों चुनाव लड़वाते अपने लोजपा के टिकट पर? इसलिए NDA में नहीं थे, NDA में अभी गए हैं। अब इनको चूंकि नीतीश कुमार के पार्टी में जगह नहीं है, अब नीतीश कुमार के पार्टी में जगह नहीं है तो फिर उधर जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे तो अकेले रह जाएंगे, तो विधानसभा वाला हाल हो जाएगा, एक सीट वो भाग गया। अच्छा, ठीक है ना। और चिराग जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी का एक कर्म भूमि है हाजीपुर, और हाजीपुर हमारे पिताजी का माँ का समान है। तो चिराग जी के पिताजी तीन भाई, कौन कौन बताइए जरा? स्वर्गीय माननीय रामविलास पासवान जी, परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी, तीनों भाई थे। तीन भाई थे। तो माँ का बंटवारा नहीं होता है। अगर रामविलास पासवान जी का हाजीपुर माँ था तो पारस जी का भी माँ ही होना चाहिए हाजीपुर। ठीक है ना। और माँ जैसा ही व्यवहार हाजीपुर में पारस जी भी किए हैं, और एक पर्दा के आगे से कर रहे थे और पर्दा से पीछे पहले बता दिए हैं, तो फिर चिराग पासवान कैसे करते हैं कि हम, अरे पिता के धन संपत्ति पर मंत्री जी भी कहते हैं कि उनका अधिकार है, लेकिन ये हाजीपुर माँ है अगर रामविलास पासवान जी का तो उस पर अधिकार पशुपति कुमार पारस जी का है, दूसरा किसी का नहीं है। किसी भी माँ पर पहले बेटा का अधिकार होता है, उसके बाद पोता का अधिकार होता है। तो हाजीपुर का पोता लगेंगे, बेटा तो पशुपति कुमार पारस है। चलिए, तो सुना आपने, हमने पशुपति कुमार पारस और उनके राजनीतिक कैरियर, उनके हाजीपुर में प्रभाव, और इसके विपरीत चिराग पासवान की राजनीति पर चर्चा करने की कोशिश की है। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आपको क्या लगता है चिराग पासवान अगर चुनाव हो पशुपति कुमार पारस के सामने NDA में रहते हुए किसका पलड़ा कितना भारी होगा, क्या चेहरे की लोकप्रियता ही काफ़ी है या फिर ज़मीन पर मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होता है चुनाव में, ये भी क्या असर दिखाएगा। इन सब मुद्दों पर आपको कुछ कहना है तो कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे विश्लेषण के साथ हम आगे भी और वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।